हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाल्गुन मास के पहले प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पर बन रहे शुभ योग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष रखा जाता है। प्रत्येक माह में दो प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी सोमवार को है। इस दिन सोमवार होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन विधि विधान से व्रत, उपवास और पूजन किया जाता है। इस दिन माँ पार्वती और भोले शंकर की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार आज के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसकी पूजा विधि व इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। आइए बात कर लेते हैं फाल्गुन कृष्ण प्रदोष शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन कृष्ण प्रदोष व्रत तिथि होगी 28 फरवरी सोमवार को। फाल्गुन कृष्ण प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 28 फरवरी शाम 6:20 से रात्रि 8:49 तक। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 28 फरवरी सुबह 5:42 पर। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 1 मार्च सुबह 3:16 पर। आइए जान लेते हैं सोम प्रदोष पूजा विधि और उपायों के बारे में। साल 2022 में फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रहा है। 28 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:02 से शुरू होकर 1 मार्च को सुबह 5:19 तक रहेगा। मान्यता है कि इस शुभ योग में सोम प्रदोष व्रत रखने और शिव पार्वती पूजन से जातक के कार्य पूर्ण होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार के शुभ योग में आने के कारण यह सोम प्रदोष होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं, संभव हो तो व्रत करें। अब भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे बिल्व पत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा जरूर करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के समय सफेद चावलों से बनी खीर महादेव को समर्पित करें, फिर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें, भगवान शिव को भोग लगाएं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको सोम प्रदोष का व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा की पूजा कर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए सूर्यास्त के समय सफेद शिवलिंग पर 11 अक्षत ओम नमः शिवाय मंत्र करते हुए चढ़ाएं, इससे लाभ होगा। सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे बिल्व पत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें अर्पित करें और इसके बाद शिव पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 11 गुलाब के फूलों की माला शिवलिंग पर अर्पित कर दें। सोम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। सोम प्रदोष पर किए गए इन छोटे छोटे उपायों से आपकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही, साथ ही आपको सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होगा और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी।